तो अगर आप पहली बार ड्रोन खरीदना चाहते हो और आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है ड्रोन कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता, बजट भी कम है और एक पावरफुल ड्रोन भी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये ड्रोन के बारे में, जो कि DJI Mini 3 Pro है। ये ड्रोन एज ए बिगिनर फ्रेंडली ड्रोन क्यों है, ये ड्रोन का खासियत क्या है, 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि एज ए बिगिनर ये ड्रोन आपको खरीदना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आज से पहले आप कभी ड्रोन उड़ाए नहीं हो, आपके पास ड्रोन है नहीं, आपको ड्रोन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जो ड्रोन देख रहे हो आप, छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रोन है, ये है DJI Mini 3 Pro, जिसको मैं लगभग 2 साल हो गया यूज कर रहा हूँ। बहुत कामों में यूज किया हूँ मैं इसको और इसको मैं पूरा निचोड़ चुका हूँ, बढ़िया से यूज किया हूँ, काफ़ी फैंटास्टिक ड्रोन है। और एज ए बिगिनर आपको क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला ड्रोन है, इससे पहले मेरे पास भी कोई ड्रोन नहीं था। तो वेलकम टू 100 डेज 100 एपिसोड चैलेंज। अब ये 100 दिनों में मैं 100 वीडियो अपलोड करूंगा मेरे इस YouTube चैनल पे, जो काफी ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव रहेगा, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगता है और कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हमारा सब्सक्राइबर नंबर बहुत कम है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम एक अच्छा नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास है कि हम 100 दिन होते होते एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, जो कि है इसका साइज। आप देख सकते हो कितना छोटा सा ड्रोन है, काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट ड्रोन है। जिनको भी नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्रोन उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होता है। वो बहुत सारे मतलब ड्रोन पे बहुत सारे कैटेगरी है, उसमें से आप कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए वो भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ड्रोन है इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रोन का वेट है 250 ग्राम के नीचे है और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 250 ग्राम के नीचे वाला जो ड्रोन है उनके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। तो ये ड्रोन को आप बड़े आराम से उड़ा सकते हो, एज ए बिगिनर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस ड्रोन को उड़ाने में। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है इजी टू यूज है। ये जो ड्रोन है ये दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखता है, जो देखने वाले लोग होते हैं ना, जो ऑडियंस देखते हैं ड्रोन उड़ते हुए, तो उनको लगता है कि भाई क्या ही कमाल का चीज़ है, मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा उड़ाना ड्रोन को। लेकिन काफ़ी सिंपल चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है इसका कंट्रोलर है, ये ड्रोन के साथ मिलता है ये कंट्रोलर, काफ़ी ईजी टू यूज है। मैं जब ड्रोन खरीदा था लगभग 2 या 3 घंटे में ही मैं उड़ाने चालू कर दिया इसको, 2 से 3 घंटा मुझे बहुत था। मैं थोड़ा YouTube पे वीडियोस देखा कैसे उड़ाते हैं क्या उड़ाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उड़ाना चालू कर दिया। बहुत ईजी है इसको उड़ाना, इसलिए एज ए बिगिनर आपको ऐसे ड्रोन को कंसिडर करना ज़रूरी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेफ्टी फीचर्स, इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है। जैसे कि मैं आपको बोला ना ये उड़ाना बहुत ईजी है, क्यों, इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है मेन कैमरा है, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो है मेन कैमरा है। अब इसके मेन कैमरा को छोड़ के इसके आगे की तरफ, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं। ये आगे 2 सेंसर लगे, पीछे भी 2 सेंसर से, पीछे की तरफ से और नीचे, मतलब कि आप जब उड़ाओगे तो सामने कोई मतलब दीवार आएगा या कोई पेड़ पौधे आएंगे ना, तो टकराएगा नहीं, ये रुक जाएगा। सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं ना उनको उतना प्रैक्टिस होता नहीं है कि थोड़ा केयरफुली उड़ाना है ड्रोन को, क्या करना है। गलती जो है मेरे से भी हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी लकी था कि ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ ड्रोन को, थोड़ा सा हल्का सा क्रैक हुआ है और बाकी कुछ मेजर हुआ नहीं ड्रोन को। अगर कोई प्रोफेशनल ड्रोन होता जिसमें अगर सेंसर वगैरह नहीं होते तो काफ़ी डैमेज होता और बहुत बड़ा फाइनेंशियली नुकसान होता, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स की वजह से मेरा जेब बच गया, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसलिए ये ड्रोन बिगिनर के लिए अच्छा है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इसका कैमरा क्वालिटी, वेरी गुड कैमरा क्वालिटी भाई, बहुत बढ़िया कैमरा इस पर है। ये जो छोटा सा कैमरा आप देख सकते हो, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन पावरफुल है। एक तो इसमें एक 3-axis गिम्बल है जो स्टेबलाइज करता है, चाहे कितना भी हवा हो ड्रोन ऐसा ऐसा होता रहे, लेकिन आपका फुटेज जो है वो हमेशा स्टेबलाइज होता रहेगा, मतलब कि पूरा स्टेबल फुटेज मिलेगा आपको। और ऊपर से ये जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है, इसमें आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो,
4K 60, जिसमें कि काफ़ी शार्प वीडियो मिलेगा। फोटो में भी बहुत ही हाई क्वालिटी का फ़ोटो आप खींच सकते हो। एरियल फोटोग्राफी करना है तो उसमें भी आपको ये बहुत काफ़ी हद तक को हेल्प करेगा। तो जो फोटो और वीडियो बोथ ये अच्छे से काम कर लेते हैं, दोनों में भी बढ़िया से काम करता है, इसलिए एक थम्सअप बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि इसका प्राइसिंग फैक्टर। जो बड़े ड्रोन होते हैं ना, उनका प्राइस आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जाता है, लेकिन ये जो ड्रोन है ना, ये ड्रोन आपको लगभग 1 लाख 20, 1 लाख 30 के आसपास आपको मिल जाएगा। उस प्राइस रेंज में ये ड्रोन आपका हो सकता है। मैं जब ख़रीदा था, मैं नया नया ख़रीदा था, जब लॉन्च हो गया था तभी ख़रीदा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा महंगा आया था, बट आज के रेट में ये सस्ता हो चुका है। इनफैक्ट इसके अपर वर्जन भी आ चुके हैं, मतलब कि मिनी 4 प्रो भी आ चुका है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हो, वो इससे थोड़ा ज़्यादा महंगा है, बट ये हाँ, ये 1 लाख 10, 1 लाख 20 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब 5 पॉइंट के बावजूद एक छठा पॉइंट भी है जो आपके लिए बोनस है, एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में, मतलब कि आप वर्टिकल वीडियो या वर्टिकल फ़ोटो खींचने में ज़्यादा आपको इन मज़ा आता है और वैसे कंटेंट बनाना आप ज़्यादा पसंद करते हो, तो ये ड्रोन खास करके आपके लिए है। कंट्रोलर के नीचे एक ये की है, इसको दबा देने से इसका जो कैमरा है हॉरिजॉन्टल से डायरेक्ट वर्टिकल हो जाएगा। आपको बाद में फुटेज को क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक वर्टिकल फुटेज ही रिकॉर्ड कर सकते हो, एक हाई क्वालिटी वर्टिकल फुटेज, जिसको आप इंस्टाग्राम में अपलोड करने के बाद कोई क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, कोई क्वालिटी ख़राब नहीं होगा, आप एक हाई क्वालिटी जो है फुटेज अपलोड कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो गाइस बस ये था 6 पॉइंट्स, मैं आपको 5 बोला था लेकिन 6 दिया, ठीक है। इस बात के लिए लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है, लेकिन एक चीज़ सब गलतियाँ करते हैं कि 1 लाख 20 हज़ार, 1 लाख 30 हज़ार, 1 लाख 50 हज़ार दे के ड्रोन खरीदते हैं और घर में रखते हैं, उसमें पैसा कुछ नहीं कमाते। अगर आपको पैसा कमाना है यही ड्रोन से, यही ड्रोन यूज़ करके अगर आपको पैसा कमाना है, तो आप पैसा कैसे कमा सकते हो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और ये एंड स्क्रीन पर भी आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको देखिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ड्रोन को यूज़ करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो। हाँ जी, पैसे कमा सकते हो, मैं खुद कमा रहा हूँ, वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।